ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सब हमारे ऊपर प्यार और आशीर्वाद करिए। आगे हम और भी बहुत कुछ आपको भेंट करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं, आज गुरुवार का दिन है, जो बाबा का प्रिय दिन है। तो आज से हम बाबा के प्रसिद्ध ग्रंथ श्री साई सच्चरित, जो श्री साई बाबा की अद्भुत जीवनी तथा उनके अमूल्य उपदेश है, आप सबके लिए हम पाठ करेंगे। कृपया इसे श्रवण करें तथा साई की भक्ति में डूब जाइए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंच सके। तो फिर चलिए अभी श्री गणेश करते हैं श्री साई सच्चरित्र के, जिसकी रचयिता श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय एक। इस अध्याय में वंदना, गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत, गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य वर्णन किए हुए हैं। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमंत पंत श्री साई सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साई ही गणपति है। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी और कहते हैं कि श्री साई भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साई और वो अभिन्न है, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वो भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों का नमन करते हैं। फिर श्री भरद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जोमिनी, वैशापन, नागेंद्र इत्यादि, तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपने चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वो एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्वश्री पराशर, व्यास और सांडिल्य आदि को समान भक्ति के प्रकारों के संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साई बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसने का आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई है और वो अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी ऐसे ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखते हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से चार निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देख वह शांत होकर मुस्कुराने लगे।
पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देखरेख करने वाले हैं। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की का हटाकर आटे का चार समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने उद्यत हुए। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षणात् क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रहे हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रहे हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव के मेंट पर बिखरे आओ। मैंने श्रीडीवासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में बिशुचि का व हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का ही उपचार है। अभी जो कुछ आपने पिस्ते देखा था वो गेहूं नहीं बरंग बिशुचि का व हैजा थी जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विशुचिका की संक्रमणता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का परावर न रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विशुचिका व हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम्य से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे चार शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। ये तो सब लोग को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य, शिरडीवासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वो तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचारों से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्ष तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरंग अपने वक्तों के पापों दुर्भाग्यों मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के दो पाटों में ऊपर की पाट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जैसे पकड़कर वो पीसते थे वो था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां आसक्ति घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभानीर भवतु।